द्वेष और जलन जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, द्वेषी के लिए प्राणों की गति आरी की गति के समान है, श्वास श्वास उसके दिल को चीरता है। असली भाव है ना, ये देवी संपदा के गुण नहीं है। ईर्ष्यालु को दिन रात क्यों ना मैं बैठकर आशीर्वाद दूं, जो बेचारा जल बुनकर मेरे पाप की बहियों को जलाता है। सारा टाइम आपके लिए सोच रहा है, तो प्रेमी बोल रहे मैं क्यों ना उसको आशीर्वाद दूं। जलन ऐसी खराब वस्तु है जो दिल को सदा जलाती है, वरना जिसके लिए दिल में जलन होती है उसे जब देखा जाए तब तो चेहरा भी जलकर काला हो जाता है। एकदम से हमारी ओरा खराब हो जाएगी क्योंकि हम अपना आप नहीं समझते हैं। जो द्वेष के कारण उसे गालियां दे, उसे तुम दिल से दुआएं दो तो तुझ में विष का जो ऐसे करता है ना, ऐसे कर्ज, उसको समझो वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। हम अपनी सोच डालेंगे तो वो उसका कर्ज भी आशीर्वाद बन जाएगा। अभी कोई डॉग वो बोलता है, बोलते आप शगुन है, कोई बुरी नजर न्यूज सुनाई देगी, तो हमारे भगवान जी ने क्या बोला, तुम उसको बोलो वो ओम बोल रहा है। ऐसे करके हमारे में बहम नहीं रहेगा। जब बिना अपराध कोई तुझे हाथ उठाकर कोसे तो ऐसा समझो तुझे दुआएं दे रहा है। उसका कोसना तेरे लिए आशीर्वाद रूप होगा। प्रत्येक चाहता है मैं सदा प्रसन्न रहूं, उन कामना के होते हुए प्रत्येक जानबूझकर अपने को द्वेष और बैर की अग्नि में जला रहे हैं, तो क्यों? इसलिए तो दादा भगवान का हमें सत्संग मिला, हम एक अच्छा इंसान बन जाए, हमारे में जो खामियां जो है, कमियां जो है, वो नहीं रहनी चाहिए। अपराध अन्य का, परंतु जलता है तुम्हारा दिल। पाप तुम्हारा दूसरा मनुष्य करता है, जलते पसते तुम हो। बाहर दिल तुम्हारा न्याय, प्राय अग्नि में अपने को जलाते रहते हो। यदि तुम पड़ोसी साथी एवं अपने से नीचे वालों को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होते हो तो द्वेष वहां से विदा हो जाएगा। वो मेरा अपना आप ही तो है। यही चीजें तो सत्संग में आए बिना मालूम नहीं थी, जब सत्संग में आए तो सब मालूम पड़ा, वो मेरी बहन ही तो है। गरीबी का वेश इसलिए मैंने पहना कि अमीरों की उदारता और दया की परीक्षा ले सकूं। भगवान बोलता है इसलिए मैंने ये वेश पहना है। मेरी गरीबी है अमीरों के लिए रोशनी, कि लोग कितने अच्छे हैं जो गरीबों को देखकर उनका हृदय पिघलता है। तो गरीब के सूखे टुकड़े में स्वस्थ का अमृत भरा हुआ है, अमीरों के भोजन में मैं विष पड़ा हुआ है, कि शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो होटलों में खा रहे हैं, गरीब बेचारा एक बाजरे का रोचला और मिर्ची के साथ खा लेगा, और 10 बजे शांति से सड़क के ऊपर सो गया है, और हम घर में डनलप के गद्दे हैं तो भी नहीं सोते हैं। कैसा है ये सब? सोने अथवा जहरात की खान वीरानी और मिट्टी में होती है। वैसे गरीब जो अपने पास पैसा नहीं रखता वह किसी बड़ी संपत्ति का स्वामी है। गरीब के पास कुछ भी नहीं है। शासन कहा जाए तो सच्चे संतों का, बड़े बड़े बादशाह अमीर उनके द्वार के भिखारी होकर फिरते रहते हैं। भगवान जी ने हर पहले बोला हमें, कितने भी योग वशिष्ठ पढ़ लो, अष्टावक्र पढ़ लो, लेकिन सच्चा साथी को हर हफ्ते पढ़ो, क्योंकि इसमें एक अच्छा इंसान बनने के गुण है। हमें रिवाइज करना होता है, हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, फिर पढ़ लेंगे, फिर रिपीट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। कौन सा चैप्टर कवर नहीं है इसमें, आत्मा का भी है और गृहिणी का भी है, पड़ोसी से जलना नहीं है वो भी है। हरिओम, गॉड ब्लेस।